हाय गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली समर के लिए एक मस्त वाला हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ। तो ये आपके बालों की हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करता है, अगर किसी को इचिंग की प्रॉब्लम है जैसे कि गर्मियों में पसीने के कारण बालों में इचिंग बहुत होती है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम को कम करेगा। मैं आप लोगों के साथ में एक होम मेड हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर्स की काफ़ी हद तक की जो प्रॉब्लम्स है उनको कम कर देगा और बालों को लंबा, खूबसूरत और घना बनाएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 4 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब हम इसको 4 चम्मच डालने के बाद साइड में रख देंगे और दूसरी प्रिपरेशन रेडी करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए ये मिंट लीव्स, 12 से 13 मैंने ये मिंट लीव ली है, और 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी आपको किसी भी किराने की शॉप पर आराम से मिल जाएगी। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमको चाहिए ये नीम की पत्तियाँ, 7 से 8 आप नीम की पत्तियाँ ले सकते हैं, उनको आप वॉश करके इसमें डालें अच्छे से। और अब हम इन तीनों इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करके क्रश कर लेंगे। याद रखिए इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है और ना ही ज़्यादा बारीक क्रश करना है, बस हल्का सा दरदरा सा आपको इस तरीके से जैसे मैंने इसको क्रश किया है इस तरीके से इसको क्रश कर देना है। देखिए ये हमने यहाँ पर अच्छे से क्रश कर लिया है, इतना ही आपको क्रश करना है। उसके बाद हम इसको एक कढ़ाई में डालेंगे और जो वो हमने वर्जिन हेयर ऑयल लिया था अब उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और गैस पर हम इसको धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। याद रखना है गैस का जो फ्लेम है वो आपको स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो जल जाएगा। स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद 5 मिनट तक हम इसको एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ गर्म हो गया है अभी। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये उबल रहा है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए गाइस, ठंडा होने के बाद कितना सुंदर इसका कलर आया है। ये जो इसका कलर आया है ये मिंट लीव और नीम के पत्तों की वजह से है। अब हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे तरीके से, छन्नी से। आप इसको कॉटन के कपड़े से भी फिल्टर कर सकते हैं ताकि जो ये सारा बाहर निकला है मसाला ये अलग हो जाए और हमारा जो ऑयल है वो अलग हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टी एसेंशियल ऑयल की है, तो अगर आपके पास बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, कोई नहीं, आप इसको ऐसे भी विदाउट इसके भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हेयर ऑयल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने जो इसमें कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है वो आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है और हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक कम करता है। मिंट स्लीव आपके बालों में अगेन डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कम करता है, आपके हेयर ग्रोथ करता है और आपके हेड लाइस की प्रॉब्लम को भी कम करता है। कलौंजी जो आपने ऐड की है वो आपके ड्राई हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आपके स्कैल्प को हेल्थी रखता है, आपके प्रीमैच्योर ग्रे हेयर जो हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है और आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी करता है। नीम लीव्स जो है वो आपके अगेन आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, आपका डैंड्रफ की प्रॉब्लम या किसी को इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है और आपके ड्राई एंड्स को भी हाइड्रेट करता है। देखा घर पर हेयर ऑयल बनाना कितना इजी है, आपको कोई फालतू का खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे शैम्पू ऑयल इंग्रेडिएंट कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ 2-4 चीज़ें आप घर की यूज़ करके आप एक बहुत ही बेहतरीन हेयर ऑयल बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको अप्लाई करने ही करने हैं, अदरवाइज़ आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो टिप नंबर 1 है, जब भी आप हेयर ऑयल अप्लाई करें तो उससे पहले आप अपने हेयर में से सारे टैंगल्स रिमूव कर लीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक नई ट्रिक बता रही हूँ आज टैंगल्स रिमूव करने की। सबसे पहले आप अपने बालों को ऐसे हाफ हाफ पार्टीशन में डिवाइड करके आगे की ओर ले आइए और आप जब भी टैंगल्स को रिमूव करें तो आप अपने बालों को नीचे से कॉम करना स्टार्ट करें, मतलब नीचे से टैंगल्स निकालना स्टार्ट करें, नीचे से धीरे धीरे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएँ। अगर आप ऊपर से अपने बालों में से टैंगल निकालने की ट्राई करेंगे तो आपके बाल ऑटोमेटिकली उलझते चले जाएंगे, क्योंकि आप ऊपर से नीचे तक
तक टैंगल को निकाल लेंगे तो वो उलझे उलझे बाल निकलेंगे, बट अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो उससे आपके बाल भी कम टूटेंगे। आप ये वाले ट्रिक जो मैंने बताई है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ये ट्रिक में आपके कितने बाल आपके निकले हैं, इसमें ज़्यादा बाल उतरे हैं या फिर आप जो नॉर्मली जैसे अपने बालों को कॉम्ब करते हैं उस वाली ट्रिक में आपके ज़्यादा बाल उतरे हैं, मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये बहुत ही अमेजिंग वाली टिप है, इसको आप जरूर अप्लाई। सो टिप नंबर टू है, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम बालों में ज्यादा हेयर ऑयल अप्लाई करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। बालों में सिर्फ उतना ही ऑयल अप्लाई करें जितना उसको जरूरत है। ज्यादा हेयर ऑयल अप्लाई करने से कोई एक्स्ट्रा आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान ही हो जाएगा। अगर आप अपने बालों में ज्यादा हेयर ऑयल अप्लाई कर देंगे तो वो धीरे धीरे आपके स्किन पर आ जाएगा और उससे क्या है आपको स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। बहुत से लोगों को पिंपल एक्ने ऐसी प्रॉब्लम हेयर ऑयल की वजह से हो जाती है, तो इसलिए बालों में ज्यादा हेयर ऑयल अप्लाई करने से आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। बालों में हमेशा उतना ही ऑयल अप्लाई करें जितनी उसको जरूरत है, एक्स्ट्रा हेयर ऑयल अप्लाई करने से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। टिप नंबर थ्री है, हमेशा बालों में जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं तो अपनी फिंगर टिप का यूज करें, इनका कभी भी अपने नेल्स का यूज ना करें। फिर भी गाइज अगर आपको फिंगर टिप का यूज़ नहीं करना है तो आप इस तरीके से कॉटन बॉल लेके उसमें ऑयल अप्लाई करके अपनी रूट्स पर लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आप ऐसे एक एक सेक्शन लीजिए और अपनी रूट्स निकालिए, मांग निकालिए और उसमें अच्छे से इस तरीके से कॉटन बॉल से ऑयल अप्लाई करिए और उसके बाद आप अपने पूरे हेयर्स में अपनी फिंगर टिप की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। ध्यान रखिए फिंगर टिप का यूज़ करना है, नेल्स का यूज़ नहीं करना है। अगर आप नेल्स का यूज़ करते हैं तो आपके जो रूट्स हैं उन पर आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है नेल्स की वजह से। तो हमेशा याद रखें हेयर ऑयल अप्लाई करने के लिए आप हमेशा अपने फिंगर टिप या कॉटन बॉल का ही यूज करें। टिप नंबर फोर है, हमेशा गाइस याद रखें जब आप बालों में मसाज करते हैं तो बालों में इस तरीके से हेयर ऑयल अप्लाई करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जब आप नीचे लगाते हैं तो बालों को घिसना या रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उससे आपके बाल बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। बस माइल्ड हाथों से जब आप नीचे की तरफ एंड्स में ऑयल लगाते हैं तो इस तरीके से ही ऑयल लगाना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब वो हेयर ऑयल करते हैं, मसाज करते हैं अपने हेयर्स में, तो वो अपने बालों को ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं या फिर अपनी पाम का यूज़ करते हैं। तो गाइज हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अपने बालों में मसाज करें तो अपनी फिंगर टिप का यूज़ करें, ना कि ऐसे ऐसे करें। उससे क्या होगा, जब आप ऐसे ऐसे अपने बालों को घिसते हैं आपके बालों में टेंगल्स आते हैं, आपके जो बाल हैं वो रफ़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप किसी भी चीज़ को ऐसे घिसेंगे तो ऑब्वियसली वो रफ़ ही होगी, तो ऐसे अगर आप अपने बालों ऐसे से घिसेंगे तो ऐसे नहीं करना है गाइज। और दूसरा क्या है, आपको बहुत ही जेंटल हाथों से अपने बालों को मसाज करना है, अपने स्कैल्प पर मसाज करना है, टाइट मसाज नहीं करना है, उससे आपके बाल टूटते हैं। ना आपको रफ मसाज करना है, ना आपको अपने बालों को घिसना है, ना आपको पाम का यूज करना है, सिर्फ अपनी फिंगर टिप का यूज करना है, नेल्स का भी यूज नहीं करना है, सिर्फ फिंगर टिप का यूज करना है और बहुत ही जेंटल तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपने बालों को मसाज देनी है। टिप नंबर फाइव है, जब भी आप अपने बालों में हेयर ऑयल कंप्लीट कर लेते हो, मसाज कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद कभी भी आपको अपने बालों में कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि आप अगर हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद अपने बालों में से टेंगल रिमूव करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। क्योंकि मसाज करने के बाद जो है, जैसे आपने देखा है कोई पेड़ है हमने उसमें पानी डाल दिया तो उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत वीक हो जाती है, सूखने के बाद वो बहुत फिर से मजबूत हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे हेयर्स पे बात अप्लाई होती है, जब हम अपने हेयर्स पे मसाज करके रखते हैं, ऑयल डाल के रखते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी रूट्स है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और अगर आप उसके बाद अपने बालों में कॉम्ब करेंगे तो आपके बाल ऑब्वियसली ज़्यादा टूटेंगे। तो गाइज इसीलिए हम मसाज करने से पहले अपने बालों में से सभी टैंगल्स निकाल लेंगे फिर मसाज करेंगे। बट अगर आपको तब भी लग रहा है मसाज करने के बाद आपके बालों में थोड़े बहुत टैंगल्स आ गए हैं तो आप जेंटली अपने हाथों से इस तरीके से अपने टैंगल्स को रिमूव कर सकते हैं, बट आपको कॉम्ब नहीं करना है। अगर आप हेयर मसाज के बाद कॉम्ब करेंगे, हेयर ऑयलिंग के बाद कॉम्ब करेंगे, तो आपके ऑब्वियसली ज़्यादा बाल टूटेंगे।
टिप नंबर 6 है, हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद आप अपने बालों में कोई लूज सी पौनी बना लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बालों में इतनी टाइट पौनी बना लेते हैं या फिर जूड़ा बना लेते हैं हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद। तो आपके बाल, उससे क्या होता है, आप लोग जब पीछे करके बहुत टाइट पौनी बना लेते हैं या जूड़ा बना लेते हैं, उससे क्या होता है, जो गाइज आपकी जो ये हेयर लाइन है ना, क्योंकि आगे के बाल आपके बहुत ज़्यादा खींचते हैं हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद, अगर आप जूड़ा बनाते हैं या टाइट पौनी बनाते हैं, तो उससे क्या होगा गाइज, आपकी जो हेयर लाइन है ना वो पीछे जाती रहेगी स्लोली स्लोली, और आपका माथा बहुत चौड़ा हो जाएगा और आप यहाँ से आगे से टकले भी दिखने लगेंगे। सो गाइज ध्यान रहे, हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद आप कोई लूज सी चोटी पोनी कुछ भी बना लीजिए, मतलब अपने बालों को ढीला रखें, ज़्यादा टाइट हेयर बन या हेयर चोटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। टिप नंबर 7 है, आप लोग एक दिन से ज़्यादा हेयर ऑयल अप्लाई मत करें। बहुत से लोगों को लगता है कि हम जितने ज़्यादा देर तक हेयर ऑयल अप्लाई करके रखेंगे हमारे बाल उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, उतने ज़्यादा मजबूत होंगे, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ओवरनाइट के लिए या फिर 2 या 3 घंटे के लिए हेयर ऑयल अप्लाई करके रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हेयर ऑयल अप्लाई ना करें। उससे क्या होता है, जब आप हेयर ऑयल अप्लाई अपने बालों में करके रखते हैं तो जो धूल मिट्टी होती है वो ज़्यादा हमारे बालों में चिपक, आपने देखा भी होगा ऑयली जो चीजें होती हैं उन पे एकदम से धूल मिट्टी चिपक जाती है। तो सेम हमारे हेयर के साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम ऑयलिंग करके रखते हैं अपने हेयर्स में तो हमारे बालों में धूल मिट्टी ज्यादा जल्दी चिपकती है, और उससे क्या होगा गाइस, जब धूल मिट्टी चिपकेगी तो हमारी स्कैल्प पे जो हमारे पोर्स है वो उनको क्लोज कर देगी, उनको बंद कर देगी, उससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो गाइस इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप ऑयलिंग करें उसको, या तो आप ज्यादा से ज्यादा आप रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट बहुत है, आप रात को अप्लाई करके सो जाओ और मॉर्निंग में शैम्पू कर लो। अगर आप लोग दिन में भी हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो 2 या 3 घंटे बहुत इनफ होते हैं, आप उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। सो गाइज आज का जो लास्ट टिप है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक शैम्पू नहीं करते हैं, किसी भी रीज़न से आपको 1 हफ्ता हो गया या 2 हफ्ते हो गए, उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं आज शैम्पू करती हूँ, मतलब 10 दिन बाद 15 दिन बाद, और फिर आप सोचते हैं कि अब मैं पहले हेयर ऑयल अप्लाई करूं उसके बाद शैम्पू करूं। तो गाइज ऐसा नहीं करना है। अगर गाइज आप इतने लंबे टाइम के बाद शैम्पू करते हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले आप एक बार हेयर वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 10 या 15 दिन के बाद शैम्पू करने की सोच रहे हैं और आप उससे पहले सोचते हैं कि मैं हेयर ऑयलिंग कर लूं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऑयलिंग का, क्योंकि आपके पोर्स ऑलरेडी बंद हो चुके होंगे, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा बालों में चिपक गई होगी, उसके बाद आप उस पर ऑयलिंग कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक बार अपने बालों को हेयर वॉश कर लेना है, सिर्फ वॉश करना है, बाकी आपको कोई ऑयलिंग नहीं करनी, कोई कंडीशनर लगाना, सिर्फ आप बालों को एक बार अच्छे से वॉश कर लो, उसके बाद नेक्स्ट डे आप ऑयलिंग करके फिर दोबारा से शैम्पू और कंडीशनर करो, तो तब वो आपके बालों को फ़ायदा देगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई करने का। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों ने ये ऑयल ट्राई किया या नहीं किया।